ये आपके लिए दे रखा है, स्टार्ट से आपको दिया हुआ है, ये बिगड़ भाग का बन रहा है। देखो बेटा ये पांच भागों में, ये समान पांच भागों में बटा हुआ है और इसका ये वाला भाग है वो रंगीन है, ठीक है ना। और यहाँ आपको चिन्ह लगाना है, ये कौन सा चिन्ह आएगा, और ये वाला भाग है इसमें भी आपके पांच भाग हैं, एक दो तीन चार पांच, और इसमें दो भाग आगे होते हैं। ठीक है ना, और ये बराबर है, ये आ रहा है इसके भी पांच भागों में बटा हुआ है और इसमें तीन भाग लगे हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चित्र के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि देखो बेटा यहाँ एक भाग है, यहाँ दो भाग है और ये मिल करके तीन भाग हो रहे हैं। स्वाभाविक है या क्या हो रहा है, आपका प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर इससे भिन्न बनाया जाए तो अगले वाली उसमें सात पॉइंट तीन में और दो में माध्यम से आपके लिए भिन्न बनाई थी, ये वाली आकृति है वो किस बिंदु को व्यक्त करती है, वो कितने भागों में बटी हुई है आपकी में, पांच भागों में, समान भागों में, इसमें एक भाग रंगीन है तो रंगीन भाग की विधि क्या बनेगी आपकी, एक बटे पांच प्लस इसकी कितनी बनेगी, दो बटे पांच, और ये बराबर हो जाएगी इसकी कितनी बनेगी, तीन बटा पांच। प्यारे विद्यार्थियों, आप चित्र के माध्यम से भी समझ गए होंगे कि भिन्नों का जरूर किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान ध्यान देना है कि यदि किसी भिन्न के हर समान है, क्या है, यदि किसी भिन्न के हर समान है तो केवल और केवल भिन्नों का जोड़ करने पर अंशों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं अंशों को, देखो एक और दो मिलकर के तीन होना है और हर दो वही हुई है। इसी हिसाब से अपन देखो इसमें बी बिगड़ भी दे रखा है, वो इस टाइप से दे रखा है के एक ये ब्रश है और ये भी पांच भागों में बटा हुआ है, समान पांच भागों में बटा हुआ है और ये सारा बटा हुआ है। और देखो यहाँ आपके लिए खाली छोड़ दिया गया है, पता नहीं है आपको चिन्ह बताना है कि क्या आएगा, और यहाँ एक व्रत है और ये भी पांच भागों में बटा हुआ है और इसमें से तीन भाग लगे हुए हैं ये वाले, और ये बराबर है ना, देखो ये भी है और ये भी पांच भागों में आपका बटा हुआ है और इसके तीस भाग हैं और दो हैं। तो देखो बेकार से देखने पर आपको पूरे तो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, देखो ये पूरा भाग नहीं है, पूरा भाग शायद छायांकित है और इस वाले में तीन भाग छायांकित है और जो शेष बच रहा है वो दो भाग आपकी छायांकित बच रहे हैं। तो यहाँ जो लगेगा वो क्या लगेगा आपका, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो बेटा ये वाला आपका पांच है, ये वाले भाग तीन है, पांच में तीन गया कितना बचा आपका, दो बचा, तीन बचा, तो इस वाली बिंदु को हम क्या कहेंगे, पांच बटा पांच, क्या कहेंगे, पांच बटा पांच, और इस वाले इसकी क्या वैल्यू बनेगी आपकी, तीन बटा पांच, और चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का, बराबर इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, दो बटा पांच। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां भी बटा में भी प्रदर्शित हो रहा है कि अगर किसी भी वैल्यू के हर समान है तो केवल अंश में से अंश घटा देते हैं, पांच में से तीन गया तो दो बचा के नहीं बचा। तो भिन्नों का जोड़ और घटाव करते समय आपको यही ध्यान रखना है कि यदि हर समान है, योग कर रहे हैं तो अंशों को जोड़ दो, और यदि अपन घटाव कर रहे हैं हर समान है तो अंश में से अंश घटा दो, ठीक है ना। तो चित्र के माध्यम से आप इन वाले सवालों को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, तीसरा भी आप कर सकते हो, देखो तीसरा भी यहाँ दे रखा है और आपको ये करके लाना है, बता देता हूँ यहाँ सी क्या है आपका, देखो इस टाइप से है,
और ये छह इसमें गोले बने हुए हैं और इसमें से दो गोले हैं कुछ आयाम के ठीक है ना। और यहाँ दूसरा भी यही फिगर है और इसमें भी छह गोले बने हुए हैं और इसमें तीन गोले छायांकित हैं। कितने गोले छायांकित हैं? तीन गोले छायांकित हैं और ये बराबर आ रहा है आपका। ये भी दूसरा फिगर है और आपके इसमें भी छह गोले बने हुए हैं और इसमें पांच, ठीक है ना, पांच गोले छायांकित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भिन्न बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो करके देखना, इस वाले ने जो भिन्न दे रखा है उसकी भिन्न आपकी क्या बनेगी? उसकी भिन्न बनेगी आपकी 2/6, इस वाले की बनेगी 3/6 और इसकी वाली बनेगी 5/6। तो आपको फिर तो रहा है कि तो दो है, तीन है या पांच आ रहे हैं, किसका ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है, तो स्वाभाविक है यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ के आपको बताना है कि ये 3/6 जुड़ने के बाद में 5/6 होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करें। ये तो हमारा पेपर संबंधी क्वेश्चन था जो हम बना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हल करो, ठीक है ना। और इसका ये है 1/18 + 1/18, ठीक है ना। बी है इसका 8/15 + 3/15, ठीक है ना। ई है आपका या सी है आपका 7/7 - 5/7 और ई है आपका 12/15 - 7/15। कुछ और भी दे रखे हैं आपको, तो किस प्रकार से हल करेंगे इन्हें मैं बता देता हूँ। तो देखो बेटा, पहले वाले ए वाले को अपन हल कर रहे हैं, इस वाले को, इन दोनों को जोड़े हैं। देखो बेटा, हर दोनों का समान है कि नहीं है? तो मैंने बताया अगर किसी भी भिन्न के हर समान है और उनको जोड़ा जा रहा है तो केवल अंश में अंश जोड़ा जाएगा। ये बता कितने के बराबर होगी? 1/1/18 और 1 और 1 कितना हो गया? 2/18। तो 1/18 और 1/18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2/18 आएगा, ठीक है ना। इस वाले पर अपन विचार करें, देखो इसका भी हर समान है, जोड़ हो रहा है तो अंश को अंश में जोड़ना है। तो पहले बच्चों क्या बनेगा? अंश क्या बनेंगे? 8+3/15 बराबर हो जाएगा 11/15। 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। तो ये दोनों भिन्नों का योग होगा वो 11/15 होगा। अब इसको अपन बढ़ाना है तो मैंने बताया राज चित्र के माध्यम से क्या आपको बताया गया था कि हर समान है तो अंश में से अंश घटाना है। क्या करना है? तो अब घटाना क्या है? 7 - 5/7 बराबर, तो 7 में देखो आ गया दूसरा में क्या? 2/7। तो 7/7 में जो 5/7 घटाया जाएगा कितना बचेगा आपका? 2/7 बचेगा। इसी हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों, आप इस सारे सवाल को भी हल करेंगे तो इसका भी हर समान है तो अंश में से अंश ही घटाया जाएगा। तो 12 में से कितना घटाया जाएगा? 7 घटाया जाएगा और 12/2 विद्यार्थियों, आप भिन्नों का जोड़ और घटाव समझ गए होंगे। कब? जब भिन्नों के हर समान होते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि भिन्नों के हर समान है और योग कर रहे हैं तो अंशों को जोड़ो। यदि भिन्नों के अंश हर समान है और आप घटाव कर रहे हो तो अंशों को घटा दो, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, ये आपकी घटाव की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना। यदि
जिनमें हर नहीं दे रखा है और हर आपको समान करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दो का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, जीवन एक माइनस दो बटे तीन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक में से दो बटे तीन घटाना पड़ेगा। तो आप इसे किस प्रकार से बताएंगे, तो बेटा जो एक आपको दे रखा है तो एक का मतलब एक बराबर तीन बटे तीन हो जाएगा, भाई तीन का तीन में भाग लेंगे अभी तो एक आएगा, तो एक ही जगह पर आप तीन बटे तीन भी तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो तीन बटा तीन माइनस दो बटा तीन, देखो हर दोनों का बराबर हो गया। बाकी एक बार तो आगे हल करेंगे तो जाएगा, अंश में से घटा देंगे कितना बचेगा, एक बटा तीन कितना बचेगा, एक बटे तीन बचेगा। इसी हिसाब से हमको जोड़ना है, जैसे तीन प्लस बारह बटे पांच, बारह बटे पांच, तो आपको तीन लाना है, इसका पांच अलग लगना है। तो देखो दूसरी प्रक्रिया भी मैं आपके लिए बता देता हूं, जिनके नीचे कोई भी अंक होता उसके लिए आपको एक मानना है, क्या मानना है, एक मानना है। अब एक के हर आपको बराबर करने के साथ हर एक है, इसका हर पांच है, अब इनको बराबर कैसे करें भाई, तो हमें ये पता है कि भिन्न के अंक और हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी समतुल्य भिन्न कहलाती है। तो तीन बटे एक की अपन संतुल्य भिन्न निकालेंगे, तो देखो बेटा इसमें भी पांच से गुणा कर दो, इसमें भी पांच से गुणा कर दो, तो अब क्या बन जाएगी, पांच किया पंद्रह बटे पांच प्लस बारह बटे पांच, देखो दोनों के हर बराबर आ गए। जब दोनों के हर बराबर आ गए तो भैया अंशों को जोड़ दो, पंद्रह प्लस बारह बटे पांच, पंद्रह बारह जोड़े तो कितने हो गए, सत्ताईस बटे पांच, तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये नहीं दे रखा है ऐसा, माइनस दे रखा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हो, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, और घटाने पर ये कितना हो जाएगा, तीन बटा पांच हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि हर समान है तो आसानी से आप घटाई भी जोड़ भी सकते हो, लेकिन हर समान नहीं है तो आप सबसे पहले जोड़ और घटा करने के लिए हर समान करने होंगे, और फिर जोड़ में अंश को अंश जोड़ना है, घटा में अंश में से अंश को ही घटाना है। धन्यवाद।